हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों सामने देखना जरा मेरी तरफ। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं पेज नंबर 102 पर हूँ एनसीईआरटी में। हो सकता है आपके पास कोई लेटेस्ट बुक हो या पुराना एडिशन हो, तो एक आध पेज का फर्क हो सकता है। मैं पेज नंबर 102 पर हूँ। कम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट हो रखी है, ठीक है बेटा। मैंने आपको बोला था ये 5 मिनट का मुद्दा है, घड़ी में देख के 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। केस स्टडी स्टार्ट कर रही है मुझे आज ही, ठीक है बाबू। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन सर्विसेज में बेटा पोस्टल सर्विसेज दी गई है, दिख रहा है आपको? ठीक है, सब पहले ही बता रहा हूँ, सबसे अनइम्पॉर्टेंट कोई मुद्दा हो सकता है इस पूरी बुक में तो ये है, ठीक है। ये बेटा उनके पेपर में आता है जिन्होंने बहुत माड़े कर्म किए होते हैं, वरना कभी नहीं आता, ठीक है ना। पता लग जाएगा आपको इसी साल आपके कर्म कैसे हैं। तो बेटा पोस्टल सर्विसेज में सबसे पहले फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, हल्की सी चर्चा इस पर फिर आगे बढ़ते हैं। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू मैं पोस्टल सर्विसेज में फाइनेंशियल फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ बेटा, इंडिया में पोस्ट ऑफिस बहुत हद तक बैंक जैसे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, पर आपको पता होगा आज की तारीख में बेटा हर पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, इवन FD कराई जा सकती है और RD। ये कभी भी बेटा करंट अकाउंट नहीं खोलते, किसी बिजनेस फर्म का करंट अकाउंट नहीं खोलते। पोस्ट ऑफिस छोटी छोटी सेविंग के लिए बनाया गया था बेटा। और आपको बता देता हूँ बेटा, कुछ पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट इतने बड़े हैं कि बैंक भी शर्मा जाए। नुमैस्क्रम गोपाल नगर का पोस्ट ऑफिस है, आप डिपॉजिट सोच नहीं सकते, ठीक है ना। खैर ये चीज़ें कभी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जितना मैं सोच सकता हूँ बेटा, बैंक को भी शर्म आ जाए कि इतने डिपॉजिट होंगे। कई 100 करोड़ होंगे, कई 100 करोड़, ठीक है ना बेटा। तो क्या पोस्ट ऑफिस हमें फाइनेंशियल फैसिलिटी देते हैं? बेटा बिल्कुल देते हैं, एक बात। दूसरी बात, कुछ ऐसी फैसिलिटीज है बेटा जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस से मिल सकती हैं बेटा, वो बैंक से नहीं मिल सकती। तो ये तो फाइनेंशियल फैसिलिटी हुई हुई बेटा, इसके अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल फैसिलिटी है बेटा। PPF, NSC, KVPs, लो प्यारे बच्चों इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बेटा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। NSC, सबसे पहले चलो NSC की बात कर लेते हैं। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। KVPs किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र बेटा। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, KVP किसान विकास पत्र। बेटा ये तीनों गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और आपको बता देता हूँ बेटा ये ऐसी स्कीम है जो अवेलेबल सिर्फ पोस्ट ऑफिस में है, पहली बात। दूसरी बात, ये FD से भी ज़्यादा जल्दी पैसे डबल करते हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट रेट FD से भी ज़्यादा है। FD आज की तारीख में 5% बेटा ब्याज दे रही है साल का, लगभग 14 साल में पैसे डबल करती है बेटा, ये 12 साल में पैसे डबल कर देते हैं आज भी, FD से भी जल्दी। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट बेटा, अगर आप इन तीनों में से किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है आपको, दूसरा काम का बेनिफिट, समझ आई बात। तो अगर कभी पोस्ट ऑफिस की फाइनेंशियल फैसिलिटी लिखनी पड़ जाए, 10 साल में एक बार आता होगा किसी स्कूल में, ठीक है ना बेटा। तो ये तीनों बातें लिखनी है, और ये तीनों बातें लिखनी है बस, कुछ भी नहीं लिखना। आपको पता है इस पर तो हमारी PhD वैसे ही है, और इस पर जितना जरूरी है मैंने बता दिया, बुक में तो 2 लाइनें लिखी गई हैं, ठीक है बेटा। बढ़े आगे, फाइनेंशियल फैसिलिटी खत्म, चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। बुक से ही, सबके पास बुक है, बुक से ही पढ़ रहा हूँ मैं कुछ बातें, आगे बढ़ना बेटा। सेकेंड वन इज मेल फैसिलिटी। वैसे बता देता हूँ, मेरा तो मन भी नहीं करता है टॉपिक जब शुरू हो जाता है। मेल फैसिलिटी मतलब चिट्ठी। भाई कौन सा जमाना चल रहा है ये, मुझे तो लग रहा है भाई 19th century में पढ़ा रहा हूँ मैं। चिट्ठियाँ कब से आ गई भाई हमारे यहाँ पर? हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी पता है, हमारे को तो ईमेल पता है, हमारे को भाई मेल नहीं पता, हमें ईमेल पता होती है, ठीक है ना। वो पढ़ाओ भाई साहब, वो तो सिखाऊँ मैं, मुझे भी अच्छा लगे। खैर चलो पढ़ लो, जितने दिए हुए हैं बेटा 7 पॉइंट दिए हुए हैं, 7 में से 3 से 4 तो मैं कटवा दूंगा जो काम के ही नहीं है बेटा, लो पढ़ लो। पहला बोलता है ग्रीटिंग पोस्ट। ओ भाई कब भेजने लगे हम ग्रीटिंग पोस्ट? हमारे GIF की फाइल के जमाने में बेटा आप ग्रीटिंग पोस्ट की बात बता रहे हो, ठीक है ना, काटा मार दो भाई। पहले पॉइंट को, ग्रीटिंग पोस्ट, मीडिया पोस्ट, काटा।
ये नहीं भेजा करते हम आज की तारीख में, मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत पुराना है, ये समझ लो बेटा 2009 में ये बुक मैंने पढ़ी थी और आज 2021 में आप पढ़ रहे हो विदाउट अ सिंगल चेंज 12 साल। ठीक है ना, मेरे टाइम तक चलो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, मुझे कोई स्मार्टफोन नहीं था भाई, चलो पोस्ट जा सकती है। आप भेजते हो GIF फाइल, हैप्पी दिवाली, आइए कह रहे ग्रीटिंग भेजो भाई, ये कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, ग्रीटिंग पोस्ट काटा मार दो, मीडिया पोस्ट काटा मार दो, थर्ड पॉइंट भी काटा मार दो, सेवेंथ पॉइंट पढ़ लो, काटा तो इस पर भी मारना हमने। कहता है ई बिल पोस्ट इज आर लेटेस्ट ऑफरिंग बता रहे इसको, लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट टू कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ BSNL एंड भारती एयरटेल। बाबू कह रहा है जो BSNL और भारती एयरटेल, एयरटेल को बेटा कंपनी का नाम भारती एयरटेल है, कह रहा है जो ये पोस्ट पेड कनेक्शन इशू करते हैं इसके बिल जमा करता है पोस्ट ऑफिस, और ये लेटेस्ट ऑफरिंग बता रहा है भाई। उनके अपने स्टोर आए हुए 20-20 साल हो गए, उनके अपने स्टोर पे बिल जमा होते हैं, कब से पोस्ट ऑफिस करने लगा, ये कौन सी ऑफरिंग लेटेस्ट ऑफरिंग बता रहे हो, ये गए हुए भी 25 साल हो गए होंगे इस जमाने को, काटा मार दो मुझे नहीं पढ़वाना। अब रही बातें बेटा बीच की तीन, ये बड़े काम की बातें हैं बेटा, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स आपको बता देता हूँ, पहले फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे। पासपोर्ट फैसिलिटीज आर यूनिक पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर फैसिलिटेटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 12-15 साल पहले ये पॉइंट करेक्ट था बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस क्या करते थे बेटा, पासपोर्ट की एप्लीकेशन को प्रोसेस किया करते थे, ठीक है। 2 साल बाद यानी कि 12 साल पहले करेक्ट था, उसके 2 साल के बाद ये 8 सालों के लिए पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि बीच में बेटा पासपोर्ट की एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस ने प्रोसेस करनी बंद कर दी थी बेटा। अगर मेरे को बेटा पासपोर्ट अप्रूव कराना होता था, आप यूपी में रहते हो, सहारनपुर में रहते हो, तो आपको बेटा साहिबाबाद जाना पड़ता था, इंक्वायरी वहां पर होती थी, ठीक है ना। और आपको बता देता हूँ 2 साल पहले गवर्नमेंट ने फिर पासपोर्ट को कह दिया कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, यानी कि मतलब CBSE का चमत्कार देखो, उसने पॉइंट ही नहीं हटाया बेटा, 8 साल के बाद फिर पॉइंट ठीक हो गया, गलत पॉइंट ठीक हो गया, ठीक है ना। आज की तारीख में फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट फैसिलिटीज पासपोर्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। अगर आप में से किसी का पासपोर्ट बना हो हाल ही में बेटा, तो आपको पता होगा आप बेटा यहीं मेन पोस्ट ऑफिस में गए होंगे, ठीक है ना बेटा। मेरा बना था 4-5 साल पहले, तो बेटा मेरे को तो साहिबाबाद ही जाना पड़ा था इंक्वायरी के लिए, तब तक बेटा पोस्ट ऑफिस ने प्रोसेसिंग बंद कर रखी थी। तो ये पॉइंट गलत होने के बाद ठीक हो चुका है बेटा आज की तारीख में, ठीक है ना, वरना मैं इस पर भी काटा लगवा रखा था। चलो ठीक है, स्पीड पोस्ट की बात करेंगे बेटा। बाबू स्पीड पोस्ट की बात करने से पहले एक छोटा सा कंपैरिजन, बाबू नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या फर्क होता है देख लो बेटा। आज आपको पोस्ट ऑफिस की नॉलेज दे रहा हूं मैं, बहुत काम की, और शायद आपको पता होनी चाहिए ये बात, पता है किसी को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पोस्ट एंड अ रजिस्टर्ड पोस्ट। कमाल हो यार, चलो खैर मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक एग्जांपल देता हूं बाबू। मान लो अमृतसर से किसी एक इंसान ने चिट्ठी डाली और उसने अपने रिलेटिव के यहां पर चिट्ठी डाली, और बेटा मान लो उसका रिलेटिव माधवनगर में रहता है, ठीक है। आपको पता है बेटा सिस्टम क्या होता है, अमृतसर से बेटा पोस्ट इकट्ठी हुई, उन्होंने कट्टे में पैक करी जितनी भी पोस्ट सहारनपुर से रिलेटेड थी, और बेटा मालगाड़ी में फेंकवा दी, यहाँ से बेटा रिसीव हुई, और सबसे पहले ये बेटा ये कट्टा पूरा बंडल ये उठकर जाएगा सहारनपुर के मेन पोस्ट ऑफिस में। आपको पता हो तो बता देता हूँ, पंजाब होटल के बिल्कुल बराबर वाला हमारा मेन पोस्ट ऑफिस है, ठीक है बेटा। वहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे ही आपने इस बंडल को खोला, आप बेटा पोस्ट का ना बायफिकेशन करते हो कि कौन सी किस एरिया की है, क्योंकि बेटा हर एरिया का पोस्टमैन अलग है, पता होना चाहिए ये बात, हर एरिया का पोस्टमैन अलग है। तो बेटा आपने क्या करा, इस पोस्ट को क्या करा, बायफगेट कर दिया, ये नुमैस कैम, ये माधवनगर, ये ज्वालानगर, जो भी बेटा गली मोहल्ले हो रहे हैं बेटा बांट दिया आपने, और वहाँ के पोस्टमैन को पकड़ा दी, ये आपके आपका आपको आपको बांटनी है, ये लो जी ले जाओ। अगर ये नॉर्मल पोस्ट है तो पोस्टमैन क्या करते हैं बेटा, जैसे ही निकले बेटा वहाँ से पोस्ट बांटने के लिए, 5 मिनट की दूरी पर उन्होंने माचिस निकाली, आग लगाई, होगी पोस्ट डिलीवर। सर ऐसी होती है इंडिया में पोस्ट डिलीवर, नॉर्मल पोस्ट,
आपको भी पता होगा कितने लोगों के लिए कितनी चिट्ठियाँ आती हैं और कितनों को क्या रिसीव होती है, ठीक है। आपने शायद वो ज़माना नहीं देखा, हमने देख रखा है, ऐसी होती थी बेटा पोस्ट डिलीवर, ठीक है ना। यानी कि समझ गए होंगे, गुड्स गुड्स या पोस्ट या बेटा कुरियर कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं करते थे। फिर बेटा जमाना आया रजिस्टर्ड पोस्ट का। रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ एक क्वालिटी है बेटा, आप जब भी इसकी डिलीवरी करते हो एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है कि आप किस इंसान को डिलीवर करके आए। सर नॉर्मल पोस्ट की तो डिलीवरी कभी नहीं होती, मैं एडवांस बता रहा हूं आपको, इसकी डिलीवरी कोई पोस्टमैन रोक नहीं पाया आज तक। ऑब्वियसली इसके चार्जेस कुछ ज्यादा होंगे बेटा, लेकिन ये 100% डिलीवर होगी, 100%, क्योंकि बेटा आपको साइन कराने होते हैं किसको देकर आए हो। समझ में आया फर्क क्या होता है नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में, पहली बात। ओके बात, अब बता दूं स्पीड पोस्ट क्या होता है। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट का ही बेटा एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, स्पीड पोस्ट तो बेटा बहुत स्पीडी होगा। अगर ये एक हफ्ते में पहुंचता है किसी जगह पे तो स्पीड पोस्ट 24 घंटे में पहुंच जाती है बेटा, यहाँ से कानपुर, यहाँ से दिल्ली, 24 घंटे में पोस्ट पहुंच जाती है, ठीक है ना बाबू। और स्पीड पोस्ट के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है बेटा, ट्रैकिंग। जब आप स्पीड पोस्ट कराते हो बेटा तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। आप बेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर बता देता हूँ, EMS स्पीड पोस्ट, ये गवर्नमेंट का स्पीड पोस्ट है, EMS स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट आपको एक यूनिक नंबर देती है बेटा, वो यूनिक नंबर आप एंटर करो, ट्रैक कर सकते हो कि आपकी पोस्ट इस टाइम पर कहाँ पर है, ठीक है ना बेटा, बात ओके। क्या स्पीड पोस्ट में भी बेटा एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है, 100%, मैंने बोला इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट, तो रजिस्टर्ड पोस्ट वाले तो सारे फीचर ही हैं, इसका नाम स्पीड पोस्ट इसकी स्पीड की वजह से रखा गया। दूसरी बात, इसमें ट्रैकिंग पॉसिबल है और आज की तारीख में सेम फैसिलिटीज कुरियर में भी है बेटा, ठीक है ना बात ओके, समझ आया। तो बेटा क्या पोस्ट ऑफिस हमें स्पीड पोस्ट वाली फैसिलिटी देता है, देता है। अब मेरे को एक लाइन नहीं पढ़नी क्योंकि मैं पहले ही 10 लाइन का जिक्र कर चुका हूँ, ओके बात। चलो जी, अब मेरा एक पॉइंट बचा है बेटा, पॉइंट नंबर 4, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज USA विच इनेबल रेमिटेंसेस ऑफ मनी फ्रॉम 125 कंट्रीज टू इंडिया। बेटा खैर आपको शायद पता हो बाबू, आपने कभी सुना है बेटा वेस्टर्न मनी ट्रांसफर, देखे हैं कभी ऑफिसर्स वेस्टर्न मनी ट्रांसफर के? यार बड़े हैरानी की बात होती है, मुझे काम की बात तुम्हें जिंदगी में कोई पता नहीं होती। खैर मैं बता देता हूँ बाबू, आज की तारीख में ये फैसिलिटी आज भी है बेटा, कोलैबोरेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस का वेस्टर्न मनी के साथ। आप बेटा दुनिया के किसी कंट्री में भी बैठे हुए लोग को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या वहाँ से रिसीव कर सकते हो। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, एक दो डॉक्टर हैं मेरी नॉन में बेटा, वो पैसे ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आपको बताइए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपने बच्चों को भी डॉक्टर ही बनाना है हर हाल में, पता नहीं चाहे वो निठल्ला कैसा भी है, भेज देना है फ़ौरन भेज दिया भाई, पढ़ाई पे करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, बच्चे का फ़ोन आया 10 लाख रुपये फीस जमा करानी है, पैसे भिजवाओ अभी। तो वो गाइड करते हैं बेटा अपने बच्चे को कि आप जो भी आपके नियरेस्ट वेस्टर्न मनी का ऑफिस हो वहाँ पहुँच जाओ। बच्चा वहाँ पहुँच गया, एड्रेस दे दो इनको, दे दिया, ये पोस्ट ऑफिस जाएंगे 10 लाख जमा करेंगे, यहाँ से बेटा ये वेस्टर्न मनी को बोलेंगे कि मेरे पास पैसे रिसीव हो गए, वेस्टर्न मनी वहाँ से पैसे दे देगा, जो भी कमीशन काटते हैं काट लेंगे। तो क्या फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं बेटा? बहुत तेजी के साथ फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिंक्ड विद द वेस्टर्न मनी, दुनिया के किसी कोने में पैसा ट्रांसफर करा लो ऑन कमीशन बेसिस, ये कमीशन काटते हैं इस चीज की, बात ओके, बढ़े आगे। चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा, बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। ऑल दो अगेन ये भाई बड़े अजीब टाइप है, मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन चलो बाबू आपको बता रहे हैं, देखो क्या क्या बातें आपको ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो सूरज है उसको दीपक क्यों दिखा रहे हो। देखो टेलीकॉम सर्विसेज में पहले लिखा है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, बाबू आपसे मोबाइल की बातें कर रहे हैं, ये मतलब सूरज को दीपक दिखाना, ये 4 लाइनें बता रहे हैं, आप बताते नहीं देखिए इतना पता है आपको मोबाइल के बारे में, तो भाई ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मोबाइल के बारे में, ठीक है ना। रात को 2-2 बजे तक जागने वाले, इतना ज्ञान इकट्ठा करने वाले बच्चों को तुम मोबाइल बता रहे हो। चलो आगे बढ़ना बेटा, फिक्स लाइन सर्विसेज। सर फिक्स लाइन सर्विसेज मतलब लैंडलाइन फोन, पता है आपके जमाने में थे कभी?
लैंडलाइन फोन थे क्या कभी? कभी तो थे यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? पता है ना लैंडलाइन फोन, ड्रॉबैक भी पता होंगे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आज की तारीख में मोबाइल ने लैंडलाइन फोन को 100% एलिमिनेट कर दिया कि नहीं? 100% करा के नहीं? हाँ ये यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तुम जब इधर उधर हो जाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरे साथी भी तो होंगे ना आप दो तीन, तो बाबू मैं तो कह रहा हूँ 100% एलिमिनेट कर दिया। कौन कौन मेरे साथ है देखो, कभी कभी मैं सही बोलता हूँ यार, बढ़ जाएगा इनके। हाँ जी कौन कौन मेरे साथ है यार? मेरे साथ नहीं है क्या हार्दिक? तू ट्रिप पे जाना है कि नहीं जाना? हैंड रेस कर फटाफट। अच्छा हाँ जी बाबू, बाबू अच्छा कौन कौन कह रहा है 100% एलिमिनेट नहीं किया? बीच वाले कहाँ हैं? अच्छा चलो अब ये मैं आप बताता हूँ, इंडियंस आर वेरी इमोशनल। ये डिसीजन दिल पे लिया गया। पड़ोसी पे देखा हाथ उठा रहा है, आधे तो यही करते हैं। चलो जिसने जिसने हाथ उठाया ये बता दो भाई, कब नहीं करा 100% एलिमिनेट? क्यों नहीं करा? किस जगह पर चलते हुए देख रहे हो? मैं आपको हॉस्पिटल्स में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में। सर ये परफेक्ट एग्जांपल है, सुन लो। आपका आंसर ठीक है लेकिन बेटा कुछ ही लोग जस्टिफाई कर पाएंगे उस चीज को। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज भी ऑफिस में लैंडलाइन फोन खत्म नहीं हुए। आज भी होटल्स में आप देखते हो बेटा, आप बहुत सारे होटल्स को विजिट करते हो, बहुत सारे रूम रेंट पे लेते हो बेटा, होटल्स में हर रूम में है फोन। लैंडलाइन की फोन की स्पीड आज भी मोबाइल फोन से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कई बार आपने बेटा कस्टमर केयर के किसी नंबर पे फोन किया हो, किसी कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन किया हो, मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। उनके पास बेटा अटेंडेंट बैठे हुए हैं, मान लो 80, ठीक है 80 अलग अलग कैबिन बन रखे हैं बेटा। एक अटेंडेंट बैठा है 01 02 03, ऐसे करके 80 अटेंडेंट बैठे हुए। आपने कॉल लगाई, आपने बताई मेरे साथ ये समस्या है। उस पर्सन को पता है, रिसेप्शनिस्ट को, कि ये प्रॉब्लम कौन हैंडल करता है। मान लो बेटा वो पर्सन हैंडल करता है जो 66 नंबर कैबिन में बैठा हुआ है या 66 नंबर की टेबल में बैठा हुआ है। उसने कहा सर या मैम मुझे एक मिनट दो, मैं आपका फोन कनेक्ट करता हूँ। उसने 66 प्रेस करा, 66 जहाँ पर कैबिन होगा बेटा वहाँ पर कॉल आई, आपने कॉल उठाई और आंसर करना शुरू कर दिया। लैंडलाइन फोन ने बेटा आज तक अपनी यूटिलिटी 100% नहीं खोई। मैं कह रहा हूँ यूज़ बिल्कुल कम हो गया होगा लेकिन 100% यूटिलिटी खत्म होगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिक्स लाइन सर्विसेज आज भी चलती हैं बेटा, ओके बात समझ आई? बात दो एडिंग होगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। थर्ड और फिफ्थ डिफरेंस पढ़ते हैं। थर्ड का है बेटा केबल सर्विसेज, फिफ्थ का है DTH सर्विसेज। ईशान मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ज़्यादा ना पढ़ा दो उसको। चलो जी, थर्ड वन इज केबल सर्विसेज एंड फिफ्थ वन इज DTH सर्विसेज। पहले कंपैरिजन और फिर क्लैरिटी होगी। सर आपको भी पता है केबल सर्विसेज, डेन बहुत सारी दुनिया इस फैसिलिटी का यूज़ करती है बेटा। बाबू क्या फर्क होता है केबल और DTH में, एग्जाम्पल बताओगे? पहले केबल का एग्जाम्पल डेन, DTH का बाबू फुल फॉर्म DTH की डायरेक्ट टू होम। अच्छा एक बात बताओ, बारिश आ गई बहुत तेज, केबल बंद होगा DTH? केबल चलता है यार, बताना पड़ेगा। देखो अच्छा बताना पड़ेगा आपको, केबल बंद होगा DTH? DTH बंद हो जाता है, पता है ना आपको, बारिश आती है DTH बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? अगेन बेटा वो सैटेलाइट लिंक से वर्क कर रहा है, सैटेलाइट इज इन द स्पेस। बारिश के टाइम पर बेटा वर्क नहीं करता वो लिंक, तो DTH बंद हो जाता है। DTH के साथ क्या है बेटा, अगर आपको DTH सर्विसेज यूज करनी होती है नॉर्मली, तो आपको दो चीजें चाहिए बेटा, एक सेट टॉप बॉक्स और एक स्मॉल डिश एंटीना। आपको पता है बेटा उस जो डिश एंटीना है बेटा, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बेटा? उसे स्पेस से लिंक किया जा रखा होता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट स्पेस में जिस जगह पर लोकेटेड है वैसे ही डिश एंटीना को लगाया जाता है, ताकि वो लिंक एस्टैब्लिश कर ले बेटा अपना। ऐसे ही चलता है बेटा, आपको पता हो DTH, ठीक है ना। और केबल क्यों नहीं जाता बारिश के टाइम पर? क्योंकि वो कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है बेटा।
वो सैटेलाइट लिंक से ऑपरेट नहीं होता, वो कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। है सर, रेयर। हाँ, केबल ऑपरेटर की तरफ से हो सकता है भंगा, लेकिन वो कंट्रोल रूम से चलता है, वो नहीं चाहता। उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसकी फैसिलिटी अलग। ये डिफरेंस होता है केबल सर्विसेज और डीटीएच में। आप समझ सकते हो टॉपिक मेरे एक्सप्लेन करने के एंगल से कि ये हमारे वर्थ का नहीं है। चलो खैर आगे बढ़ दो। एक और बात रहती है वी सेट। बाबू मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है वी सेट। बाबू डीटीएच के जैसा ही होता है, लेकिन जनरली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल होता है। वी सेट की फुल फॉर्म होती है बेटा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। बाबू आपने लाइव क्रिकेट मैच देखे अपने घर बैठकर, ठीक है ना, देखते हैं ना बेटा हम डीटीएच या केबल सर्विसेज का यूज करके लाइव क्रिकेट मैच। ऐसे बेटा मैंने लाइव कोचिंग पढ़ रखी है, ठीक है ना बाबू। ये वी सेट सर्विसेज के थ्रू होता है बाबू। वी सेट सर्विसेज क्या होती है, अगेन बेटा एक सैटेलाइट लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है बेटा स्पेस में, ठीक है ना, और बाबू कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटा कोचिंग चलाई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ सीए में क्या होता है बेटा, दिल्ली से टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, ठीक है ना, लाइव उनके सामने बच्चे बैठे हैं। आपने तो कभी ऐसी चीज़ें सुनी भी नहीं होंगी, कभी देखी भी नहीं होंगी। देखे कभी ऑडिटोरियम के साइज, सिनेमा हॉल के साइज भी कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं। सामने बच्चा बैठा 2000 ऑल ओवर इंडिया बच्चा पढ़ रहा है, 10,000 बच्चा ऑल ओवर इंडिया, 100-200 सेंटर बन रखे हैं ऑल ओवर इंडिया, और सेंटर में भीड़ लगी है, 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। सामने कैमरामैन खड़ा है बेटा, कैमरामैन वीडियो शूट कर रहा है। वी सेट टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग जो 200 सेंटर बना रखे हैं आपने ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल लाइव कोचिंग चल रही है। और प्रॉब्लम के लिए टीचर के पास बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है बेटा, कुछ लगभग 100 इंच की। जैसे ही बेटा हमारे पास जब हम सेंटर पे होते थे बेटा, हमारे को एक एक कंप्यूटर और क्या करा जाता था, एक वायरलेस कीबोर्ड दे दिया जाता था, ठीक है ना। हम 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया ये लो एक कीबोर्ड रख लो, किसी को प्रॉब्लम पूछनी हो कीबोर्ड। हम क्या करते थे, प्रॉब्लम टाइप करते थे एंटर, टीचर की स्क्रीन पे फ्लैश कर रहता था, बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी सहारनपुर सेंटर, आपने ये प्रॉब्लम पूछी, आपका रिप्लाई। ये सब वी सेट टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है ना। एक टीचर है बता देता हूँ, नाम है उनका आशीष कालरा, ठीक है, मतलब मेरा भाई तो नहीं है, खैर मेरे भाई का नाम भी वैसे आशीष कालरा है, ठीक है ना। एक सीए है बेटा आशीष कालरा, दिल्ली में वेलकम मेट्रो स्टेशन पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जब वो बैच शुरू करते हैं और बैच ख़त्म करते हैं ना बाबू, दिल्ली कमिश्नर ने उनको स्पेशल 12 से 15 पुलिस वाले दे रखे हैं कि आपको जाम खाली कराना है वेलकम मेट्रो स्टेशन का। जब बैच छूटता है मेट्रो स्टेशन चौक हो जाता है, 2000 बच्चा, 2000, और उनके अंदर इतना दम है वो रिक्शे वाले को पढ़ा दे, भाई तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। ऐसे ऐसे टीचर हैं बेटा सीए में पढ़ाने वाले, जो बेटा अनपढ़ों को पढ़ा दे अकाउंट्स, फिर टेंथ पढ़ा लिखा तो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा होता है उनके लिए, 10-10,000 बच्चा। अगर फीस बता दूं तो कैलकुलेटर पे नहीं आ पाएगी, कैलकुलेटर पे आ नहीं पाएगी फॉर श्योर। जो लाइव बच्चा पढ़ रहा है बेटा 15,000 रुपये दे रहा है, और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है बेटा 10,000 दे रहा है, 10,000 बच्चा मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ट्यूशन पढ़ाते हैं अभी वो, सिर्फ ट्यूशन, अपना काम नहीं करते कुछ भी, उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। 10,000 बच्चा मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 2,000 बच्चा मल्टीप्लाइड बाय 15,000, ठीक है ना बाबू। इसके अलावा जो सीए कर रहा है उनसे नहीं पढ़ रहा, बुक्स उन्हीं की पढ़ेगा क्योंकि उनसे अच्छी बुक का कोई ऑथर नहीं है। और बेटा एक टाइम में सीए में बच्चा पेपर दे रहा होता है 60,000, 60,000 बच्चों ने उनकी बुक खरीदी 2,000 की, वो भी मल्टीप्लाई कर लो। लगा आज कमाई हो सकती है ट्यूशन में, चलो क्या लो प्यारे बच्चों, टॉपिक फिनिश, बढ़े आगे। बेटा केस स्टडी की बुक लाने को कही थी, एबीसी से केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, फटाफट से केस स्टडी की बुक निकालना आप। बेटा पेज नंबर 125 पर हूँ, आपको बता देता हूँ 15 केस स्टडियाँ कल का दिन नहीं है मेरे पास इसके लिए, आज ही खत्म होंगी और अभी खत्म होंगी 15 केस स्टडियाँ। जितनी तेजी से पढ़ेंगे बेटा उतनी जल्दी खत्म करके घर जाने वाले बनेंगे। चलो जी बेटा पेज नंबर 125 पहली केस स्टडी। जो बच्चे पहली बार केस स्टडी पढ़ रहे हैं एक बार हैंड रेस करना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे केस स्टडीज, काम की बात सुन लो बच्चों। बाबू
जब भी केस स्टडी आएगी, वैसे ऑल दो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो 5 लाइन की केस स्टडी है बाबू, केस स्टडी की लेंथ जरूरी नहीं है 5, 20, 25, 30, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ऐसे ही आती है बोर्ड्स में केस स्टडी। तो अगर बेटा 5 से ज़्यादा बड़ी केस स्टडी होगी तो कभी हम क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेंगे, हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में मांगा क्या गया, सबसे नीचे जाएंगे, फिर केस पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ बेटा थोड़ी देर में, फिलहाल पढ़ना शुरू करते हैं। चलो जी, गौरवी हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप अ डेयरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन ग्वालियर। वाइल वर्किंग ऑन हर प्लान शी रियलाइज्ड वेरी सून दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज इज जनरली डिपेंडेंट अपॉन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज। बेटा गौरवी को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि कोई भी बिजनेस चलाना हो उसके लिए बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज चाहिए। बहुत अच्छी बात। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू सच स्पेशलाइज बिजनेस सर्विसेज विच आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। बेटा कहता है कोई 2 सर्विस लिख दो। बाबू हमने 5 पढ़ी है इस चैप्टर, जो आपका मन करे वो 2 चिपका देना। आपको पता है हमने सबसे अच्छे से बैंकिंग और इंश्योरेंस पढ़ा है, चिपकाना वही। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। कहता है राज एंड सिमरन आर चाइल्डहुड फ्रेंड। मैंने तो सोचा था DDLJ में फ्रेंड थे, चाइल्डहुड थे क्या? अच्छा, कहता है राज एंड सिमरन आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे चूज टू परस्यू बिजनेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है जी, राज हैज डिसाइडेड टू सेटअप अ ट्रैवल एजेंसी व्हाइल सिमरन प्लान टू एस्टैब्लिश अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू प्रोड्यूस पेपर एंड पेपर मेड हैंडीक्राफ्ट आइटम। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द बेसिक नेचर ऑफ मार्केट ऑफरिंग दैट बोथ राज एंड सिमरन प्लान टू क्रिएट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस। बेटा आपसे पूछ रहा है दोनों किस बिजनेस में एंगेज्ड है। देखो बेटा, राज ट्रैवल एजेंसी ऑपरेट कर रहा है, ट्रैवल एजेंसी इज अ सर्विस। क्या करेगा? बुकिंग करेगा। बेटा आप रेलवे से कहीं जाना चाहते हो बुकिंग करा सकते हो, फ्लाइट से कहीं जाना चाहते हो बुकिंग करा सकते हो। और बेटा सिमरन क्या कर रही है? एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठी है, वो गुड्स में डील कर रही है। तो बेसिकली जो आपकी मार्केटिंग ऑफरिंग है, एक की गुड्स है और एक की बेटा सर्विस है। बी पार्ट, गिव एनी 4 डिफरेंसेस। सर डिफरेंस तो पता ही है हमारे को, हमने 5 बेसिस पे पढ़े हैं, याद है आपको? वही इनटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री और इन्वॉल्वमेंट, याद है जी? ओके, बात 5 हेडिंग थी बेटा। चलो आगे बढ़ना, नेक्स्ट वन। बाबू देखो, अब केस स्टडी हल्की सी बड़ी आई, मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ दूं। पहला रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ सर्विस बीइंग डिस्कस्ड अबव। कहता है सर्विस का एक फीचर है जो इस केस में डिस्कस किया गया है, आइडेंटिफाई करना है। बाबू केस पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फीचर है। और बी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फीचर ऑफ सर्विस। एक तो बेटा केस में ही है, उसके अलावा 3 लिखने हैं। आपको बताया बेटा 5 ही हैं, ठीक है ना? याद है ना बेटा? अगर आपको याद है तो केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में 1 मिनट लगेगा। चलो, धानुष विजिटेड अ न्यू रेस्टोरेंट दरबार विद हिज पेरेंट्स, दे ऑल लाइक द फूड सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट। आफ्टर अ वीक धानुष टुक हिज फ्रेंड टू दरबार एंड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सेम डिशेस दैट ही हैड लाइक्ड ड्यूरिंग हिज प्रीवियस विजिट, बट ड्यू टू हिज सरप्राइज He found that the taste of the food was not as good as it was during the previous visit. जब ज़्यादा मन हो ऐसा ही होता है बेटा। As a result, he felt very disappointed. बेटा फीचर का नाम इनकंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है? गुड्स में होता है बेटा। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा गुड्स मिलता है हमेशा। मैंने आईफोन का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बेटा क्रेटा कार का एग्जाम्पल दिया था। बाबू सर्विसेज कभी एक जैसी हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर की नहीं हो सकती, तो टीचर की नहीं हो सकती, तो रेस्टोरेंट की भी नहीं हो सकती। ओके है ना बात? चलो जी आगे बढ़ना बेटा, फोर्थ बेटा। और ये आपने ही बताना है, अब केस स्टडी की लेंथ ठीक होने लगी, 8-9 लाइनें आ गई, जबरदस्ती केस मत पढ़ने बैठना। पहले रिक्वायरमेंट, बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट बीइंग यूज्ड बाय फरहान एंड हिज फैमिली मेंबर। कहता है लाइन कोट करके ये बता देना फरहान और उसकी फैमिली मेंबर ने कौन कौन से बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हैं। 5 होते हैं, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, FD, RD, MODS, याद है आपको? चलो
और बी पार्ट डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू अदर टाइप ऑफ अकाउंट दैट आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय अ बैंक बट हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द अबव पैरा। समझ गए ना बेटा, इन पांचों को ही चिपकाना है। तीन वो जो बेटा यूज हुए हुए हैं केस में और दो वो जो यूज नहीं हुए हुए। ठीक है जी, पढ़े आप बाबू साथ साथ बताते जाना मुझे, केस ना पूरा पढ़ने का नौबत आए बता देना कि यहां पर ये अकाउंट है। ठीक है चलो, धनवन बैंक इज अ पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफरिंग वराइट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। इट ऑफर मेनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ऑप्शन टू इट्स कस्टमर। फरहान बींग अ बिजनेसमैन, फरहान बींग अ बिजनेसमैन, करंट अकाउंट की बात हो रही है। फरहान बींग अ बिजनेसमैन हैज चूजन द टाइप ऑफ अकाउंट इन विच डिपॉजिट आर मोस्ट लिक्विड एंड देयर आर नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अ डे। आपको याद है ये बात मैंने बोली हुई थी, करंट अकाउंट। आगे बढ़ना, ऑन द अदर हैंड हिज मदर हैज ओपन अ टाइप ऑफ अकाउंट वेयर शी कैन कन्वीनियंटली डिपॉजिट द मनी शी सेव्स, सेविंग अकाउंट। आगे बढ़ो, दीज अकाउंट प्रोवाइड चेक फैसिलिटी एंड ऑफर अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डिपॉजिट एंड द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम दैट अकाउंट। कहता है ये दोनों ही अकाउंट ऐसे में चेक फैसिलिटी है, और पता है आपको करंट में भी होती है और सेविंग में भी होता है चेक। आगे बढ़ना, कहता है फरहान्स यंगर ब्रदर सोहेल हैज ओपन्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट वेयर इन ही विल डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट टू ईयर। आरडी, आरडी क्या होती है बेटा, रेकरिंग डिपॉजिट। कहता है 1000 रुपए महीना देगा अगले 2 साल तक हर महीने। एफडी में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स पीरियड। रेकरिंग में भी फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स पीरियड होता है, लेकिन वो अमाउंट आपको रीअकर करनी पड़ती है, हर महीने जमा करनी पड़ती है, याद है ना। ओके है बात। तो बेटा तीन का डिस्कशन हुआ है, दो का नहीं हुआ, चिपका दोगे एफडी और एमओडीएस बी पार्ट। चलो फिफ्थ वन, बेटा मैं केस नहीं पढ़ता, आपको भी पता है मैं हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं अगर केस स्टडी बढ़िया है। व्हाट इज अ चेक लिखा जाएगा, केस पढ़ने की जरूरत है क्या व्हाट इज अ चेक के लिए। बी पार्ट, इसी दिन के लिए मैंने आपको कहा है कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि केस स्टडी बहुत टाइम खराब करती है। कई बार केस से कुछ भी नहीं पूछा होता, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए मैं टाइम बचा रहा हूं आपका। व्हाट इज अ चेक, बी पार्ट, हाउ इज अ चेक डिफरेंट फ्रॉम बैंक ड्राफ्ट। सर बताया हुआ है, ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड, जबकि बेटा चेक डिसऑनर हो सकता है। मेरे खाते में 2 रुपए हैं बेटा, मैं 2 लाख का चेक काट के दे दूं, किसी को क्या पता। ड्राफ्ट दे देगा बैंक मुझे 2 लाख का बिना 2 लाख दिए, कभी भी नहीं। बैंक को एडवांस पैसे दूंगा, कमीशन दूंगा, तब जाके डिमांड ड्राफ्ट देगा। ठीक है ना जी, बात क्लियर। चलो जी आगे बढ़ना, सी पार्ट, नेम द बैंकिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉई अकाउंट ऑन द सेम डेट सेल। वैसे एक बात बताऊं, केस तो पढ़ना पड़ेगा, अगर थोड़े से समझदार हो तो केस बिना पढ़े भी काम चला सकते हो। बेटा पढ़ना, कहता है ऐसी कौन सी बैंकिंग सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल करके आप एम्प्लॉई के खाते में सैलरी डाल सकते हो सेम दिन में। आरटीजीएस और नेफ्ट। आरटीजीएस और नेफ्ट क्या होता है बेटा, सेम डे में फंड ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं हो जाता किसी के खाते से किसी के खाते में। वैसे केस पढ़ लेते हैं, ऑल्दो मैं टाइम खराब कर रहा हूं आपका अपना भी, लेकिन पढ़ लो। चलो, जे ओन्स एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन जैसलमेर विच प्रोवाइड कस्टमाइज फैसिलिटी टू मीट द नीड ऑफ द कस्टमर एंड इंश्योर अ मेमोरेबल इवेंट फॉर देम वेदर दे आर प्लानिंग अ वर्कशॉप अ मैनेजमेंट सेमिनार मार्केटिंग और ट्रेनिंग सेशंस। ही हैज अ स्टाफ ऑफ 50 मेंबर, अर्लियर द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर आर पेड थ्रू चेक। द एम्प्लॉई हैड टू डिपॉजिट देयर चेक इन अ बैंक एंड हैड टू वेट फॉर फ्यू डेज फॉर चेक टू बी क्लियर। ऐसे ही होता है बेटा, कहते हैं पहले उनकी सैलरी को चेक दिया जाता था, अब बेटा चेक लगाएगा वो 2-3 दिन में पैसे आएंगे, बेटा इंतजार करना पड़ता है एम्प्लॉई को। कहता है बट नाउ द सैलरी रीचेस देयर अकाउंट ऑन द सेम डेट सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर बैंकिंग सर्विसेज। सर आरटीजीएस नेफ्ट की बात चल रही है, मजा आ रहा होगा बेटा, ये तो ऐसे लग रहा होगा फूक मारो उड़ा दो, कभी कभी धन्यवाद कर दिया करो मुझे मन में बैठे बैठे, अरे बहुत बढ़िया पढ़ाया भैया। चलो जी खैर आगे बढ़ना बेटा, बाबू सिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और मजा ही आ जाएगा पढ़कर। पहले आप रीड कर रहे हो, पहली ट्राई आपकी है कि आप समझ पाए कि नहीं। समझदार बच्चों पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच हैज बीन वॉयलेटेड एंड अबव केस। वॉयलेटेड मतलब तोड़ा गया,
कहता है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तोड़ा गया, और मैंने आपको कहा था केस स्टडी सिर्फ यहां से आएगी, कोई स्कूल हो यहीं से आएगी बेटा, और आप गिनना बेटा कितनी केस स्टडी कराई मैंने इंश्योरेंस के ऊपर, गिनना अब से। चलो जी, कहता है गौरी टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर होम विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट द होम इज बीइंग यूज्ड टू हाउस अ कैटरिंग बिजनेस। ठीक है जी, बेटा गौरी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने घर के लिए, लेकिन बेटा ये नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को कि कैटरिंग सर्विसेज के लिए घर का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है आफ्टर फ्यू मंथ अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन कॉज्ड मेजर डैमेज टू हर प्रॉपर्टी, कॉन्सिक्वेंटली शी फाइल्ड अ क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर द इंश्योरेंस कंपनी डिस्कवर्ड अबाउट द कमर्शियल यूज ऑफ द होम एंड रिफ्यूज टू पे एनी क्लेम, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्लेम। सर समझ गए होंगे क्या छुपाया आपने, मटीरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी, काम की बात ही छुपा ली बेटा, छुपानी अलाउड थी नहीं बेटा, बाद में मना कर सकता है ना इंश्योरर की, मैं नहीं देता क्लेम जो होता है कर लो। तो सर ये एटमोस्ट गुड फेथ की बात चल रही है, हमने यहाँ पर वो है ए और हार्ट अटैक की बात की थी। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, पहली ट्राई आपकी है। चलो जी बेटा, कहता है अजीत इज द ओनर ऑफ अ टैक्सी कैब एंड ही गेट इट इंश्योर्ड बिकॉज ही इज गेटिंग इनकम फ्रॉम इट। बाबू एक टैक्सी चलाता है, ठीक है ना, उसने उसका इंश्योरेंस ले लिया क्योंकि उससे उसको इनकम आती है, बट इफ ही सेल इट ही विल नॉट हैव एनी कंसर्न लेफ्ट इन द टैक्सी कैब। कहता है लेकिन अगर आपने टैक्सी बेच दी तो आपका टैक्सी से कोई लेना देना नहीं है, ना इंश्योरेंस का कोई लेना देना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच इज एप्लीकेबल इन द अबव केस। समझदार बच्चों को इशारा काफी, प्रिंसिपल का नाम है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस ले सकता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एसेट। लेकिन अगर मैंने बेच दी तो बेटा इंश्योरेंस की क्या वर्थ, वो मेरी नहीं रही तो बेटा इंश्योरेंस मेरा रहेगा नहीं रहेगा ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके बात सिंपल है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वन। जीवन इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹10 crore विथ टू इंश्योरर AIG लिमिटेड एंड मेट लाइफ लिमिटेड फॉर 6 crore and 4 crore रिस्पेक्टिवली। बाबू 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को दो अलग अलग इंश्योरर से इंश्योर कराया, 6 crore and 4 crore। कहता है ड्यू टू एन अर्थक्वेक द एक्चुअल डैमेज कॉज टू द जीवन प्रॉपर्टी इज 3 crore। तो क्या हुआ, दोनों से 3-3 crore मांग लो। चलो जी, कहता है ही फाइल्ड अ कंप्लेन फॉर 3 crore अगेंस्ट ईच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। उसने भी तो वही करा जो मैंने कहा, कहता है दोनों से को 3-3 crore का उसने क्लेम भेज दिया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विच हैज बीन वायलेटेड एन अबव केस। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ दिया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इतना अच्छा थोड़ी बढ़ते हम। हाँ जी बेटा, 10 crore की प्रॉपर्टी थी, आपने 6 crore and 4 crore अलग अलग इंश्योरर से इंश्योर करा दिया, लेकिन नुकसान 3 crore हुआ। तो बेटा ये थोड़ी दोनों से 3 crore मांग लोगे बेटा, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, पैसा नहीं बना सकते इंश्योरेंस से आप। क्या होगा बेटा, इस 3 crore को ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे उसी रेशो में जिस रेशो में इन्होंने एग्री करा, यानी कि ये देगा बेटा 3:2 में पे करेंगे, यानी कि बेटा 3 crore में से 3/5 देगी पहली कंपनी जिसका नाम है AIG, और बेटा 2/5 देगी मेट लाइफ, दूसरी कंपनी का नाम मेट लाइफ है। तो बाबू 1 crore 80 lakh देगी बेटा AIG और 1 crore 20 lakh देगी मेट लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, यार टाइम लगेगा अभी, चलो कल कर लेंगे बाकी, ठीक है अभी टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।